तो गाइस आज हम लोग आ चुके हैं दोबारा से अपनी ब्रांड न्यू वीडियो में, प्यारी सी ब्यूटीफुल सी एसएमपी में। तो गाइस इस वाली वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक अपना खुद का हाउस, जो कि आधा अंडर वाटर एंड हाफ ओवरवर्ल्ड, समझ रहे हो, आधा जमीन पर रहेगा आधा अंडर वाटर। और गाइस उसका जो मैंने थोड़ा सा मैप सोच के रखा है ना, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सा है, कंटेनर टाइप का है। उसमें मैं 3 कंटेनर्स बनाऊंगा, फिर उसके बाद उसको आज की वीडियो में मैं उसमें 3 कंटेनर्स बनाऊंगा, उसके बाद डेकोरेशन हम लोग अलग बाद में करेंगे। और गाइस उसी टावर को मुझे बैंड बहुत ही ज़्यादा आप नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, मतलब कि मुझे इसको ले जाना है 3 से 4 खंड मतलब फ्लोरिंग, मुझे उसकी जो फ्लोरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ऊँची करनी है। इसीलिए वीडियो को देखते रहो एंड तक देखना, जिससे आप लोगों को पूरी स्टोरी लाइन आगे तक समझ में आती रहेगी। मैं कहना क्या चाहता हूँ, वो पहले ही से इतना बड़ा होगा, उसमें थोड़े से क्वार्ट्ज स्टेयर्स की हम लोगों को बहुत ज़्यादा कमी पड़ने वाली मुझे लग रहा भाई, 64 और 11 में तो नहीं होने वाला। वैसे करते हैं थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों को मिल ही जाएगा बहुत सारा। और बस जल्दी से चलते हैं हम लोग अब बनाने। पहले तो मैं आ चुका अपने सीक्रेट चेस्ट में खूब सारा कॉन्क्रीट लेने, जिससे हम लोग आगे का काम कर सकें, पूरा आगे का पूरा फिनिशिंग कर सकें। फिर यहाँ से चलते हैं गाइस और चलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा हाउस मेकिंग करने। उस हाउस में गाइस आप लोग भी सोचोगे क्या क्या ही असल भाई, क्या ही मौज करती, क्या ही ब्रांड, क्या ही भाई नेक्स्ट लेवल बनाऊंगा मैं, नेक्स्ट लेवल का मीन समझते हो ना, नेक्स्ट लेवल। उसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना, ओनली ऑन गाइस हम लोगों को, जैसे कि ये मैंने देखा है 14 लेंथ होती है और 7 ब्रेथ होती है, समझ रहे हो, 14 लेंथ होती है और 7 ब्रेथ होती है L into B। और उसके बाद हम लोग ने 14 लेंथ और 7 ब्रेथ को पूरा मेजर करके अपना जितना भी एरिया जो हम लोग ने डिग इन किया था, उसी में जब हमने चारों तरफ से बराबर नापा, 1-2 ब्लॉक का गैप था, और बाकी जब बराबर करने के बाद ये नतीजा सामने आया है। ओनली ऑन गाइस उस तरफ से, एक तरफ से जब हम लोगों ने किया था तो एक तरफ गाइस हम लोगों के 5 ब्लॉक्स छोड़े, तो एक तरफ गाइस हम लोगों ने 7 ब्लॉक्स छोड़े, कुछ इस तरीके, मतलब 7 या 6 ब्लॉक्स छोड़े, 7 में तो होता तो मैं एक इधर से बढ़ा देता बराबर हो जाता, कुछ इस तरीके का गाइस हम लोगों का चीज फंसा था। इसीलिए उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने आगे बढ़ने का तय किया। फिर गाइस उसके बाद हम लोगों को ये, इसकी बात कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके का स्टेयर्स, मुझे इसका फोल्डिंग बना लेनी चाहिए थी ऐसे, फिर ऐसे, फिर उसके पीछे जाके कुछ एक लास्ट कुछ ऐसा सा डिज़ाइन देना है, फिर उसके बाद 3 ब्लॉक ऊपर, फिर जब उसका एंड मतलब टॉप आएगा रूफ टॉप, उसमें भी ऐसा ही सेम टू सेम डिज़ाइन देना है, जैसे कि 1, 2 एंड 3 गाइस। उसके बाद गाइस फिर से हम लोगों को अप साइड एंड डाउन साइड को एकदम मीज़र करते हुए हम लोगों को ऐसा सा डिज़ाइन देना है कि एकदम बराबर लगे, टिप टॉप गाइस। जैसे मैंने उस तरफ दिया है वैसे ही सेम मुझे अब इस तरफ भी करना है, क्योंकि ये जो पूरा एक एरिया जो हम लोग लेते हुए चल रहे हैं वाइट कॉन्क्रीट्स का, ये पूरा एक कंटेनर समझ लो गाइस, कंटेनर भी समझते हो ना, कंटेनर जो होते हैं वैसे ही जॉर्ज फूल के कंटेनर वही चीज। उसके बाद ये हाफ, उसके बाद नीचे उतरना है, और यहाँ पे हम लोगों को उल्टी मतलब ऊपर से डाउन साइड की स्टेयर लगा देनी है। ऐसे एक जो लुक आता है बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है, एक नेक्स्ट लेवल लुक आता है गाइस। और गाइस अब लोगों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली इस घर में, ये घर बनाने में देखते गाइस कितना टाइम लगता है हम लोगों का और कितने टाइम पर हम लोग बना पाते हैं। अरे यार मैं गिर गया स्कैफोल्डिंग में, जल्दबाजी करो तो गिरना निश्चित होता है। और गाइस फिर उसके बाद ये जो है इन दोनों को चारों तरफ से चारों तरफ से गाइस कनेक्ट कर देना है। यार मुझे ब्रीजिंग करना नहीं आता, ब्रीजिंग कैसे होती है एक बार मैं कोशिश करूँगा अभी, रुको, ये कुछ इस तरीके से होती है, ये आगे बढ़ते रहना है, अरे ऐसे, हाँ हुई मुझे ब्रीजिंग नहीं आती है ऐसे, ओ भाई हो रही है अरे होती है, ओके ब्रो, फर्स्ट टाइम ब्रीजिंग करता हूँ मैं, अरे गलत लग गया, शीट, चलो कोई बात नहीं। और बस फिर उसके बाद हम लोगों को ऐसे ही पूरा लगाते चारों तरफ से फोरों तरफ से कवर करना है, एंड जो लास्ट का सीन बचेगा उसको वाइट कंक्रीट से कवर करके साइड साइड में ग्लासेस एंड साइड साइड में कंक्रीट से कवर कर देना है,
इससे गाइस कुछ ज़्यादा ही ब्रांड लेवल का अपना ये जो टावर बनने टावर कहूँ या इसको घर कहूँ ये समझ लीजिए गाइस, मैं इसको टावर का भी कहूँगा है ना, टावर का भी कहूँगा मैं उसका, इसको मतलब उसका नहीं इसको, इसको मैं टावर भी कहूँगा, अंडर वाटर हाउस भी कहूँगा एंड अपना पर्सनल फ्लैट भी कहूँगा। ये हम लोगों का ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर मतलब समझे, ऑलराउंडर ऑलराउंडर। ये हम लोग इसके अंदर अंडर वाटर भी रहेंगे, पानी तो मैं बाद में भर दूंगा क्योंकि पानी भरने में जितना टाइम लगता है ना उतना, तो उतनी देर में तो मैं सब कुछ कवर कर दूंगा। पानी भरने में तो गाइस कम से कम 40 से 50 मिनट्स लग जाएंगे हम लोगों के, इससे अच्छा पहले जितना हम लोग कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं। और गाइस आप भी बताओ क्या हो रहा है इस समय, तो मस्त छुट्टियाँ चल रही होंगी स्कूल में, मौज मना रहे हो घर में, कमेंट में कर देना किसकी किसकी छुट्टियाँ चल रही हैं इस समय। वैसे तो अब स्कूल खुलने वाले होंगे, सबके खुल गए हैं ज़्यादातर, अब मेरे भी खुल चुके हैं गाइस, आगे देखते हैं। ओ भाई गिर गया, चलो कोई बात नहीं गाइस, ये देखो क्या UFO की तरीके लग रहा है एकदम सेम गाइस, इस टाइप का मुझे कंटेनर एक, अब सोच रहे होगे इसके ऊपर एक और बना देगा, क्या ही मज़ा, क्या ही घर, तो एकदम बेकार लगेगा फिर उसके बाद लुक नहीं आएगा। लेकिन जितने लोग भी थंबनेल से जान गए होंगे, जिन्होंने जिन्होंने थंबनेल देख के क्लिक किया मेरी वीडियो में, वो लोग तो समझ ही गए होंगे हम लोगों को करना क्या चाहते हैं। मीन्स अब हम लोगों को यार अंदर जाना है मुझे, चलो कोई बात नहीं। अब गाइस हम लोगों को वो जो मैंने कहा था ना 7:14 हाफ हाफ, उसी को मद्देनजर रखते अब ग्लासेस लगा देने हैं। अब सोच रहे हो ये मैं क्या कह रहा हूँ, तो गाइस वो तो आपको अभी जब मैं ग्लासेस लगाने के बाद जब मैं आपको बताऊंगा ना, तो आप लोगों को खुद बताने से अच्छा वीडियो देखते रहो और समझते रहो। ये ग्लासेस लगा देते गाइस, नीचे गाइस हम लोग ग्लास पेंस नहीं लगाएंगे, अपसाइड ग्लास पेंस लगाएंगे, क्योंकि नीचे जब वाटर डालेंगे तो ग्लास पेंस पॉकेट एडिशन में मैंने देखा या मेरे साथ होता है कि ग्लासेस से आर पार निकल आता है पानी, इसीलिए मैं नीचे ग्लास पेन ऊपर ग्लासेस ग्लास मतलब नीचे ग्लासेस ऊपर ग्लास पेन, जिससे पानी नीचे क्योंकि नीचे हम लोग पानी भरेंगे ना गाइस, ये सबसे नीचे वाला डाउन फ्लो मतलब क्या कहते हैं इसको ग्राउंड फ्लोर, हाँ ग्राउंड फ्लोर जो है उसमें पानी आएगा। और गाइस ये मैंने ऐसे ही मज़े के लिए बना दिया है, बाद में तोड़ देंगे क्योंकि पानी के अंदर रहेगा तो केवल ऐसे डुबकी मारो ज्यूं ज्यूं ज्यूं, जैसे पहले हम लोग डुबकी मारते मारते जाते थे वैसे ही कुछ करना है। यार ये स्लैब्स मुझे, हाँ ये ऐसे, और ये वाला आप तोड़ देते हैं, और ये वाला, ये कनेक्ट कैसे हो गया ये ब्रिक, नहीं यार चलो हटाओ कोई बात नहीं, वो तो हम लोगों का ऐसे पार्ट टाइम। और अब ये देखो ये इधर से 4 निकाला है, इधर से 1, जैसे मैं कह रहा था ना समझते रहो, समझते देखते रहोगे सब समझते रहोगे। और जितने लोग भी अगर ये मेरा वीडियो देख के कोई भी ये घर बनाए तो ये डिज़ाइन ज़रूर एक बार अपने माइंड में रीड कर ले, क्योंकि ये डिज़ाइन मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया ना स्टार्टिंग में, उसके बाद जब मैंने 3rd फ्लोर बनाया तो वो 10 मिनट में बन गया था, ये 1st एंड 2nd फ्लोर बनाने के मुझे पूरे 50 मिनट्स लगे, पूरे 50 मिनट्स। एंड गाइस अब यहाँ से अरे यार गलत लग गया, कोई बात नहीं, क्या हुआ भाई कैसे करना कैसे एक बार देख लेते हैं, राउंड ऑफ मेरे लगने वाले हैं भाई, मैं सच कह रहा हूँ मेरे ये दोनों बनाने में 50 मिनट लगने वाले हैं, मैं तो ऐसे अंधा मिनट बता रहा हूँ। ऊपर वाला भी जब गाइस हम लोग सीख जाएंगे तो वो तो 5 मिनट में ही बन जाएगा, ये तो सबको पता है। एंड गाइस ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है गाइस, ये जो पहला फ्लोर इतना ब्यूटीफुल सा लग रहा है, तो जो हम लोगों के आगे के फ्लोर्स होंगे वही आप लोग सोचिए कितने खूबसूरत, क्या ही डिज़ाइन, क्या ही लुक आने वाली है। और गाइस उसकी जब हम लोग वो करेंगे क्या कहते हैं उसको डेकोरेशन, तब तो गाइस एक एक फ्लोर हर चीज़ का क्या ही ब्यूटीफुल सा लुक आने वाला है। तो गाइस ये डिज़ाइन बना दिया मैंने, अब बस कुछ नहीं करना, ये 3 ब्लॉक्स के ऊपर पिलर्स बनाने हैं, एक उल्टी टाइप की स्टेयर्स लगा देनी है, फिर उसके बाद पीछे ऐसे करके कुछ अरे अरे ऐसे लगा देना है, और फिर गाइस इसका फोल्डिंग्स को थोड़ा सा ऊंचा करना है, फिर पीछे से भी ऐसे सेम टू सेम स्टेयर्स को लगा देना है। आ नहीं भाई, थोड़ा आराम से ब्रो, गाइस जैसे कह रहा था वो फिर हम लोगों ने कंप्लीट करके ये पूरे में ये लास्ट स्टेप अपना कॉन्क्रीट्स को फिलअप करना।
हम लोगों ने इसका जो ग्राउंड है उसको पूरा कंक्रीट से फिलअप कर दिया। जैसे मैं कह रहा था नीचे ग्लास लगाएंगे ऊपर ग्लास पेन, तो वैसे ही अपने भाई ने ऊपर नहीं ऊपर ग्लास पेंस लगाना स्टार्ट भी कर दिया है। और गाइस यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं ब्लॉक्स, क्योंकि आगे की वॉल जो है वो कवर हो जाएगी इससे। अरे यार इसको तोड़ देते हैं अभी के लिए। और गाइस बनने के बाद जब सेकंड फ्लोर भी हम लोगों का पूरा ऑल टोटल कंप्लीट हो चुका है तो कुछ ऐसा लग रहा है, समझ लो कुछ इस टाइप का लग रहा है। अभी मैं जानता हूँ एक दो ब्लॉक्स स्टेयर्स ये सारे अलग अलग हैं, इन सब को बनने के बाद जो लुक आने वाली बाइक साहब क्या ही तगड़ी आ रही है इसको। गाइस जब हम लोग जॉइंट लेवल का अपना घर कर देंगे, जॉइंट लेवल मतलब एसएल गेमिंग जब उसमें लिख के आएगा ब्रो क्या ही फन, मतलब फन नहीं क्या ही मौज हो जाएगी यार। आपको नहीं लगता क्या जब ये बन जाएगा उसके बाद कितना तगड़ा लुक आने वाला है इसको। अरे यार भाई क्या ही मजे आ जाएंगे भाई, फिर अपना घर बन जाएगा एसएल गेमिंग वाईटी का हाउस नहीं अपना टावर। और गाइस जब मैंने मेजरमेंट किया तो मैंने ये एक ब्लॉक ज़्यादा कर दिया है, अब मुझे इसको तोड़ना पड़ रहा है ये जो सेकंड लेवल वाला हाउस था। सॉरी यार टाइम वेस्टेज, कोई बात नहीं दोबारा बनाएंगे। गाइस केवल एक ब्लॉक के चक्कर में, केवल ओनली ऑन वन ब्लॉक, समझ लो वन ब्लॉक से गाइस जो लुक की जो घर की लुक थी जब मैंने देखा तो भद्दी लग रही थी, तो मैंने कहा ये तो गलत काम हो गया सीरियसली, तो मैंने उसको पूरा फिर से तोड़ दिया। तोड़ने के बाद दोबारा से जोड़ने में जो हालत ख़राब हुई है ना गाइस, देख रहे हैं बनने के बाद दोबारा से बनाना पड़ रहा है बंदे को जो ऐसा काम कर रहा है, क्या ही बड़ा नूब है ये। ऐसा भाई तुम नूब हो, क्यों मैं नूब क्यों, क्योंकि जब तुमको पहले ही मीज़र कर लेना चाहिए था ब्रो, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। मैं नहीं सॉरी भाई, खुद को नूब कौन कहता है। और ये कुछ ऐसे जीने टाइप स्टेयर्स टाइप आ चुके हैं, अब एक एक ब्लॉक हम लोगों को लगाते जाना है। स्टेयर्स भाई बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं, स्टेयर्स भाई लगने वाले हैं अच्छे से अपने, मुझे तो लग रहा है पूरा नैदर खाली कर देंगे तब भी ये घर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे यार। भाई जब हम लोग इतना छोटा है तो भाई उज्जवल भाई ने अपना पूरा हीरो ब्रांड एसएमपी में एक कंक्रीट नहीं यूज़ किया, पूरा उसी से बनाया, तो उनका कितना टाइम लगा होगा ना ब्रो। कोई बात नहीं जल्दी गाइस, अभी मैं स्टेयर्स नहीं लगाऊंगा, स्टेयर्स मैं तब लगाऊंगा जब ये पूरा एक बार अच्छे से मीज़र करने के बाद जो हम लोगों का सामने रिजल्ट आएगा तब लगाएंगे स्टेयर्स। और अभी के लिए गाइस हम लोग ग्लास पेंस को इंस्टॉल कर देते हैं हमने टावर के अंदर, इंस्टॉल मतलब वही समझ लो। अब गाइस थर्ड लुक आ गया है, थर्ड फ्लोर में हम लोग आ चुके हैं। अब गाइस ये जो थर्ड फ्लोर है इसको तो गाइस हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा गाइस इसको बनाने में, लेकिन थर्ड फ्लोर में हम लोगों ने जो पिलर्स को इंस्टॉल किया है, जो अलग अलग चीज़ें की हैं, वैसे थर्ड फ्लोर नहीं मेरे ख्याल से सेकेंड फ्लोर है, मैं किस फ्लोर में काम कर रहा हूँ मुझे खुद ही नहीं पता मैं किस फ्लोर में काम कर रहा हूँ, मैं थर्ड ही फ्लोर में काम कर, मैं मजाक कर रहा था गाइस। ओ भाई साहब ये अब गाइस इसको जैसे मैं स्टेयर्स को लगा रहा हूँ ऐसे कुछ स्टेयर्स लगाने के बाद अंदर से ये राउंड स्टेयर्स लाने में भाई अभी बहुत टाइम जाने वाला है अपना, क्योंकि जिस हिसाब से मैं इसको जॉइंट लेवल कह रहा हूँ ले जाने टावर जैसा, तो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के स्टेयर्स जाने वाले हैं। और ये स्काफ होल्डिंग से काम करने में कुछ अलग सा प्रोफेशनल टाइप लुक नहीं आता गाइस, पूरा टेढ़ा फिर मेढ़ा फिर इधर से उधर, गाइस प्रोफेशनल टाइप का लुक लगता है यार। भाई ऐसा लग रहा है किसी बिल्डिंग बन रही है, जैसे लगी नहीं होती साइड में पिलर्स, और गाइस आप लोगों ने देखा होगा जैसे साइड में पिलर्स लगे रहते हैं बिल्डिंग के, पूरा जब कंप्लीट हो जाती फिर पिलर्स हटते हैं, वैसा ही कुछ अपना घर भी लग रहा है ऐसा ही घर। अब गाइस हम लोगों को जाना है और ज़्यादा क्वार्ट्स को लेने, तब तक के लिए जो मैंने ये मेजरमेंट के लिए पिलर्स जो लगाए थे उनको मैं तोड़ देता हूँ। ये मैंने तोड़ दिया, कितने मिले भाई, चलो। और गाइस अपना घर कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आप सोच रहे हो गाइस ये एक फ्लोर मैंने जो डाउन कर दिया है उसी को मैं बराबर करने के लिए ऊपर दो फ्लोर और बनाने वाला हूँ, जिससे वो एकदम बराबर तरीके से लगेगा। और गाइस इधर थोड़े से स्टेयर्स में और ले आया हूँ नेदर से। गाइस जैसे मैं ये आप कह रहे हो ना नीचे हो गया एक फ्लोर, ये जो डाउन साइड है इसी को पूरा बराबर करने के लिए गाइस हम लोग इसके ऊपर दो फ्लोर और ज़्यादा कर देंगे, जिससे हम लोगों का एक परफेक्ट बिल्डिंग टाइप का लगेगा। गाइस क्या ही तगड़ा लगेगा ना जब बनने के बाद,
ये स्कैफोल्डिंग अब तोड़ने का टाइम आ चुका है, क्योंकि जो अपना बिल्डिंग है वो पूरा मजबूती खड़ा हो चुका है। गाइस जल्दी जल्दी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं स्कैफोल्डिंग्स एंड अब चलते हैं ऊपर पूरा देखने क्या सा लग रहा है। ओ भाई ऊपर दो ब्लॉक्स रह गए हैं यार, उसको फिल करना पड़ेगा, उसको फिल अप करना पड़ेगा। बढ़िया सा ट्राइडेंट का निशान। अरे यार ये कौन आ गया एकदम गाइस ऊपर, अंदर जाना था मुझे यार। ये देखो यार मैंने फालतू में तोड़ दिया, अब मुझे ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे, फिर उन ब्लॉक्स को तोड़ना पड़ेगा, बहुत लगेगा, इसलिए गाइस इसको छोड़ते हैं। और गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कर देना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना।